जी और निकल लेंगे बस। अच्छा आप आयमा को भी देंगी? बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग अनापिया के लिए और आयमा के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं इन दोनों बच्चों की ईदी से इनके लिए शॉपिंग करने। जी हाँ, इस बार हमने सोचा था कि अनापिया और आयमा की ईदी से हम कुछ इन दोनों के लिए ऐसा ख़रीद लेंगे कि दोनों मिल के खेल पाएँ और आगे इनके लिए काम आ पाए। तो हम लोग गए पीपल्स चौरंगी अनापिया के लिए साइकिल लेने और स्लाइड लेने। तो ये दो ऐसी चीज़ें थी जो जिसकी ज़िद अनापिया काफ़ी टाइम से कर रही थी, और इसमें जो है इनकी दोनों की ईदी जो है वो कवर अप भी हो रही थी आसानी से, और हमें मिलाने भी नहीं पड़ रहे थे। तो ये था कि दोनों अच्छी चीज़ें आ रही थी। तो हमने पीपल्स चौरंगी से अनापिया के लिए साइकिल ली, और साइकिल हमें ट्राई साइकिल चाहिए थी, क्योंकि अनापिया अभी छोटी है और उसको बड़ी साइकिल चलानी नहीं आती। तो अनाभिया के लिए हम ऐसी साइकिल ढूंढ रहे थे जो कि बड़ी मुश्किल से मैडम को पसंद आ रही थी। अच्छा, येलो वाली साइकिल बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके प्राइस थोड़े से हाई थे। ये हमें 7000 की इन्होंने बताई थी और 6000 में ये फाइनल कर रहे थे। हमारी रेंज इतनी नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों ने बड़ा हो जाना है और फिर वो साइकिल रखी रहनी है। तो हमने ये रेड वाली साइकिल सेलेक्ट करी, और इसमें ये ऑप्शन था कि ये हम पीछे से हैंडल कर सकते हैं। तो हमने ये रेड वाली साइकिल सेलेक्ट करी, जबकि अनाभिया को ये स्कूटी चाहिए थी। वहाँ जाके इनको स्कूटी की ज़िद हो गई। खैर, हमने स्कूटी तो दिलाई नहीं, क्योंकि स्कूटी तो ये चला ही नहीं सकती, बट ये येलो वाली साइकिल मुझे बहुत पसंद आ रही थी। इसके लाइटिंग, म्यूज़िक सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ये 6300 इन्होंने फ़ाइनल करे थे, तो ये हमने नहीं ली। और जो रेड वाली साइकिल है वो हमने ली 5000 में। तो ये रेड वाली साइकिल हमें ज़्यादा अच्छी लगी, और ये पायदार भी थी, मजबूत थी, तो हमने रेड वाली साइकिल फ़ाइनल करी। और फिर उसमें इन्होंने शीशे, मिरर वग़ैरह और हॉर्न ये सब लगा के दिया। और ये है कि ये साइकिल मजबूत है और आगे जाके आयमा को भी काम आ सकती है। तो ये हमने रेड वाली साइकिल ले ली यहाँ पे इस शॉप से, और बस अभी भी ये इसको रेडी कर रहे हैं, बस उसके बाद हम इसको लेके जाएंगे। लेकिन अनाभिया की अभी भी ज़िद है कि इसको ये स्कूटी चाहिए। खैर, इसके बाद हम पहुँचे नागन चौरंगी, और नागन चौरंगी पे भी बहुत अच्छी मार्केट है बड़ी साइकिल्स की, और यहाँ पे भी रिजनेबल प्राइस में आपको साइकिल और दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये बहुत बड़ी मार्केट है अंदर जाके ना, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी साइकिल्स थी। अच्छा, हम साइकिल के लिए काफ़ी टाइम से विज़िट कर रहे थे, ये तकरीबन हमारा तीसरा या चौथा विज़िट है यहाँ पे और पीपल्स चौरंगी पे भी। तो हमें रेट्स का अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था, तो ये है कि बस हमने जल्दी जल्दी जाके फ़ाइनल किया और चीज़ जो है वो उठा ली। तो बस ये है कि इस बार जो है हमने इन दोनों बच्चों की ईदी यूज़ करी है, और इनकी ईदी से इनके लिए ये दो चीज़ें ले ली खेलने के लिए, ताकि पैसे इनके ज़ाया ना हो। वरना अमूमन यही होता है कि पैसे चुट पुट में उठ जाते हैं और बच्चे के लिए कुछ आ भी नहीं पाता ढंग का। छोटे मोटे खिलौने आते हैं, फिर वो टूट फूट के ज़ाया हो जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि इस बार कुछ ऐसा लेंगे जो बड़ा हो और इनके लिए काम भी आए, जो मतलब चले ना, ड्यूरेबल हो। तो साइकिल भी ड्यूरेबल है और ये स्लाइड भी ड्यूरेबल है। तो स्लाइड हमने यहाँ से ली, ये 3 स्टेप स्लाइड है, और स्लाइड आपको यहाँ पे बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू गुल प्लाज़ा। ठीक है, गुल प्लाज़ा पे काफ़ी रेट्स आई हैं, और ये जो शॉप वाले भाई हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने हमें बताए थे स्लाइड के प्राइस 7, और फिर इसके बाद इन्होंने हमें 6000 में ये फ़ाइनल दी। तो ये स्लाइड हमें खोल के चेक करवा रहे हैं, और बहुत अच्छी पैकिंग में थी और हर चीज़ अलग अलग पैक थी। बट हमारे साथ मसला ये हुआ कि हमारी गाड़ी में ऑलरेडी साइकिल रखी हुई थी, और इसका बॉक्स जो है बहुत बड़ा था, तो हमने इसको खुलवा के अपनी गाड़ी में रखा और बॉक्स को अलग से फोल्ड करवा के गाड़ी में रखा। तो ऐसे करके ये हमारी गाड़ी में आई। फिर खैर, हमने बस जल्दी से ये फाइनल करा, क्योंकि स्लाइड का हमें अंदाज़ा था स्लाइड जो है ना 7000 की भी मिल रही है, 8 की भी, 3 स्टेप वाली। तो ये जो थी ना, ये होलसेल शॉप थी, तो यहाँ पे बहुत ही जैसे रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी चीज़ें। तो ये देख लें, ये इसका स्टेप है, ये इसकी स्लाइड है, और इसमें बाकी इसकी चीज़ें रखी हुई, ये हर चीज़ इन्होंने हमें खोल के चेक करवा के दी है। तो ये बहुत अच्छे थे, और इनकी शॉप का नाम
चलो जी, आज अनाबिया और आयमा की ईदी जो है ठिकाने लग गई और इन दोनों की चीज़ें आ गई। वापसी के सीन्स कुछ ऐसे थे, बड़ी मुश्किल से स्लाइड आई और हम भी बड़ी मुश्किल से बैठे। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू डिड, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।